धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के उपलक्ष्य में आज दीक्षा भूमि में कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसके चलते लोगों की काफ़ी सारी भीड़ उमड़ सकती है। तो इसके बचाव के लिए महानगर पालिका के द्वारा कई सारे नियम कानून लगाए गए हैं ताकि लोग कोरोना से बचे, जिसके चलते हैंड सैनिटाइजिंग सभी लोगों के लिए लगाई गई है और काफ़ी सारे बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं ताकि लोग लिमिट्स में रहे और सभी कोरोना के नियमों का पालन करें। दोनों कोरोना के डोज हो चुके हैं। कहाँ से आया? दिघोरी नागपुर से। यहाँ के जो नियम यहाँ लगाए हैं उसके बारे में आपको क्या कहना है कोरोना से रिलेटेड? कोरोना से रिलेटेड जो नियम है उसमें ज़्यादा लोग ये नहीं ले सकते, लाभ नहीं ले सकते। हाँ, तो बाकी संस्थानों में जैसे भगवान के संस्थानों में उतने कानून नियम नहीं है, पर यहाँ पे इतने लगाए हैं। नहीं लगाए वो ठीक है, पर वो क्या है दो जो जो भी लोग ज़्यादा यहाँ पर लाभ लेना चाहते वो नहीं ले सकते। कब से आप यहाँ पे आ रहे हैं? आपका पहला साल ही यहाँ पे आ रहे हैं? मैं 3-4-5 बार से मैं इधर आता रहता हूँ। और आपके सभी के कोरोना के एडमिट? कोरोना वजह से तो ये तो बाबा साहब अम्बेडकर से संविधान का नियम है, ये संविधान तो बाबा साहब अम्बेडकर लिखा है, इसलिए उसका अनुसार करने का हमारे लोगों का कर्तव्य है। इसके वास्ते हम अनुसार कर रहे हैं, इसके वास्ते ज़्यादा लोग नहीं आए, कानून पालन करने वाला लोग हम हैं, बाबा साहब का नहीं है, इसे कानून पालन कर रहे हैं, वो तो बहुत कुछ का बात है। और महानगर पालिका ने जैसे काफ़ी सुविधाएँ कर रखी है लोगों के लिए ताकि कोरोना का संक्रमण ना फैले, काफ़ी अच्छी सुविधाएँ भी कर रखी है, आप इस पर क्या कहेंगे? वो तो ये कोरोना तो ये ओनली फॉर नॉट ए महाराष्ट्र, ऑल ओवर इन इंडिया और वर्ल्ड भी है, इसलिए ये रोग तो फैलने के लिए ये सरकार ने अच्छा काम करे ऐसा ही हमको सोच रहे हैं। लेकिन दूसरा भगवान के मंदिर में ऐसा क्या तो उतना तो नियम नहीं लग रहा है, लेकिन इधर ज़्यादा लग रहा है बोल के ऐसा हम ऐसा लग रहा है बहुत। इधर महाराष्ट्र में बहुत देवी देवताओं में उधर जा ये सरकार ने थोड़ा लूज़ कर रहा है, विशेषता इधर बाबा साहब अम्बेडकर दीक्षा भूमि में बहुत ये सरकार ने बहुत ये लोगों के लिए परेशान कर लिया अंतर लग रहा है। ये कि बाकी अगर यहाँ समझिए कभी कल जाके अगर कहीं संक्रमण बढ़ भी जाते हैं तो लोग ऐसा भी कहेंगे ना कि यहाँ पे तो सारी चीज़ों पे पाबंदियाँ वैसे भी थी और सारी चीज़ों का तो वैसे भी पालन किया जाए। ओके, पालन तो आज देश के सरकार कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीन ले रहे हैं सब ले रहे हैं ना, कैसा पालन होता? हाँ, हर एक आदमी को कर रहे हैं, कैसा होता? हर एक आदमी को एक्शन दे रहे, ये तो झूठ बात है हम लग रहे। सर्वांना क्रांतिकारक जय भीम, मी शरद गायकवाड पुणे येथून आलेलो आहोत। आणि तुम्ही किती वर्षांपासून म्हणजे मला आठवतं असं मी तो तेव्हापासून या ठिकाणी दीक्षाभूमीवर येत आहे। आम्ही धम्मचक्र प्रवर्तन दिन का आज ये 65वां वर्ष है, आप इसे किस तरह देखते हैं? जगातल्या अनेक धर्म धार्मिक हिंदीमध्ये बोलू का जगातल्या अनेक धार्मिक क्रांत्या घडल्या, त्या क्रांतीमध्ये ही एक उत्क्रांती म्हणजे धम्मक्रांती आहे। आणि या धम्मक्रांतीचा एक असा अनुभव आहे की भारताने अनुभवलेला आहे की सम्राट अशोकानंतरनं जागतिक स्तरावरची एकच क्रांती अशी घडली जिथं रक्ताचा थेंब न सांडता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय बौद्ध धम्माची मानवतावादी धम्माला आणि समस्त बहुजन हिताय बहुजन सुखायच्या परिजनेने देऊन आम्हाला शांतीच्या मार्गाने जगाच्या स्पर्धेमध्ये घेऊन जात असताना हे शिकवलं की तुम्ही मानवतावादी बना, या जगामध्ये मानवतेचा धर्म हाच माणुसकीचा धर्म, माणसाने माणसाला माणसासारखं वागवणं म्हणजेच मानवतेचा धर्म, हा धर्म बुद्धांच्या तत्त्वज्ञानाने प्रचंड आणि अचंड असलेल्या तक्षशिला नालंदा अशा विद्यापीठांच्या परंपरेनंतरनं जर जागतिक शैक्षणिक क्रांती कुणी घडवली असेल तर ती डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वतःच्या अध्ययनातनं जगाला एक आदर्शवरत क्रांती दिलेली की जगाची क्रांती ही विज्ञानातनं आणि अध्ययनातनं होणार आहे। तुमच्या कुठल्याही क्रांत्या आत्तापर्यंत पाहिल्या असेल तुम्ही, जगाच्या ज्या क्रांत्या घडल्या कुणीच्या बंदुकीच्या गोळी उल्या केल्या, पण बाबासाहेब आंबेडकरांनी फक्त पेनाच्या ओळीतली क्रांती केली आणि ती जगाला एक ऐतिहासिक क्रांती ठरलेली आणि ती केवळ फक्त बुद्ध कबीर फुले यांच्या माध्यमातून साध्य होऊ शकते। म्हणून आत्ता यापुढचं बी जग जर काही विज्ञानवादात जाणार असेल तर ते फक्त बुद्धाच्या ओळीतनं जाऊ शकतं आणि बुद्ध धम्मच हा तारू शकतो, बाकी जगात कुठलंही आणि कसलीही क्रांती घडू शकणार नाही, फक्त बुद्ध आणि बुद्धच क्रांती आहे। तर
तुम्हाला काय वाटते आजकाल आपण चालतो त्यांच्या नियमांवर, आम्ही त्यांचे आदर्श आपण आज पण पालन करतो? ज्या माणसाला ज्याचा मेंदू तीक्ष्ण होतो तो बुद्धाला शरण जातो. बुद्ध मूर्तीपुढे बसला म्हणजे तो बुद्ध होत नाही. ज्याच्या ज्याची मानसिकतेचा विकास होतो तो बुद्धाकडे जातो. बुद्धांच्या पुढं केवळ आपण देखावा म्हणून करू नये, तर ज्याच्या बुद्धीचं आकलन तर्क विज्ञान आणि अध्ययन ज्याच्या मेंदूत उतरतो तो बौद्ध आहे. आणि बुद्धांच्या सिद्धांतावरती माणसासारखा जो वागतो त्याला बौद्ध म्हणतात. देखावा करणारा माणूस कधीच होत नाही बुद्ध. बुद्ध हा विज्ञानातनं तुमच्या अंगीकारला पाहिजे आणि तुमच्या बुद्धिमत्तेमध्ये जेव्हा येतो तेव्हा तो बुद्धच आहे. जग हे बुद्धवादाकडे जाणार आहे आणि बुद्धाच्या काळातही ते बुद्धाच्या मार्गाने निघणार आहे. नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय. मी शरद गायकवाड, कवी कबीर सेवक. सुरेखा नागदेवी है. और आप सब कहाँ से आए हैं? हम इंदौरा से आए हैं. कितने सालों से आ रहे हैं? हम बचपन से आ रहे हैं. बचपन से हाँ. तो धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के इस 65वें अवसर पर आप इसे किस तरह से देखते हैं? कोरोना नहीं, यह बाबा साहब ने जो रूढ़िवादी थे उनको दूर करके मानवता का उन्होंने संदेश दिया कि सबको शिक्षित होना चाहिए. एजुकेशन जरूरी है आजकल, उससे एक भेदभाव वगैरह दूर होगा. तो संविधान में बाबा साहब ने हर समाज के लिए आज न्याय किया है. हाँ हाँ. इस पर आप क्या कहेंगे? सभी को ऐसे नहीं, वो एक ही दृष्टिकोण से नहीं देखते थे कि सिर्फ बुद्धों को या इनको उनके जात के लोगों को ही देखना. उन्होंने महिलाओं के लिए सभी वर्ग के, सभी ओबीसी वगैरह सभी लोगों के लिए उन्होंने काम किया है. ऐसे नहीं कि लोग बोलते हैं कि बाबा साहब ने एक ही समाज के लिए किया है काम, ऐसा नहीं है. उन्होंने सभी लोगों के लिए किया. उनको महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि जो महिला सिर्फ अपने बच्चे देखती थी या खाना बनाती थी उससे सीमित था, उनको कुछ अधिकार नहीं था. तो आज उन्होंने सभी क्षेत्र में महिलाओं को एक चांस दिया है. भाविक हमारे उपासक उपासिकाओं को मैं 65वें धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में सभी को शुभकामनाएं देता हूँ. मेरा सभी मेरे बंधुओं को, मेरे उपासक उपासिकों को मेरी नम्र विनंती, कोविड के इस दौर में डिस्टेंस रखना चाहिए. और अपन कोविड के ये इतने बड़े बीमारी में से अपन निकले हैं, सभी को बचाना है, खुद को भी बचाना है और लोगों को भी बचाना है अपने बौद्ध धर्म को. यही मेरी आज के उपलक्ष्य में. आज के युवाओं ने बाबा साहब अम्बेडकर के कौन से उपलक्ष्यों पर चलना चाहिए? बाबा साहब का जो विचार है शिक्षा का, तो आज के युवकों ने पहले तो अपनी शिक्षा लेना चाहिए, संगठित होना चाहिए शिक्षा लेके. आज शिक्षा के महत्वपूर्ण जो ग्रामीण इलाकों में स्टूडेंट जो शिक्षा से वंचित है उन लोगों को शिक्षा मिलना चाहिए. आज के बाबा साहब का संदेश यहाँ से शिक्षा का महत्वपूर्ण, शिक्षा का अगर शिक्षित होए तो सारी दुनिया बदल सकते. बाबा साहब का जो सपना है कि मैं पूरा देश भारतमय बौद्धमय करूँगा, वो शिक्षा के माध्यम से हो सकता. सभी को सप्रेम जय भीम. मैं प्राचार्य डॉक्टर महेंद्र कुमार मेश्राम, ऑरेंज सिटी समाज कार्य महाविद्यालय में प्राचार्य तथा संविधान फाउंडेशन का संयोजक एक कार्यकर्ता करके मैं कार्यरत हूँ. धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के आज 65वें वर्षगांठ पे आप इस दिन को कैसे देखते हैं? सभी भारतवासियों को धम्मचक्र प्रवर्तन दिन की हार्दिक शुभकामनाएं. यह दीक्षा भूमि है. दीक्षा भूमि समता, स्वातंत्र, न्याय, बंधुत्व का विचार देती है. डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने एक जो ऐतिहासिक क्रांति की है, इस ऐतिहासिक क्रांति की यह पावन भूमि है. यह पावन भूमि सभी भारतवासियों को समानता प्रस्थापित हो, न्याय मिले, बंधुभाव प्रस्थापित हो और सभी देशवासियों में एक आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक परिवर्तन का काम हो, यह संदेश इस दीक्षाभूमि से दिया जाता है. हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं. कोविड के पार्श्वभूमि पर इस साल यहाँ लोग कम आएंगे, लेकिन दीक्षाभूमि से जो भी संदेश जाता है वो पूरे विश्व में जाता है और मानवता का ये संदेश सभी देश में, सभी गाँवों में, सभी कस्बों में जाए और देश का प्रत्येक नागरिक एक समता, स्वतंत्र, न्याय, बंधुत्व और सामाजिक आर्थिक न्याय के राह पर चले. यही शुभकामनाएं मैं एक धम्मचक्र प्रवर्तन पर देता हूँ. सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद. जय भीम. मैं प्रसेंजित गायकवाड़, विद्रोही सांस्कृतिक चळवळ महाराष्ट्र का अध्यक्ष हूँ. पेशे से शिक्षक हूँ, प्राइमरी टीचर.
और कवि, मुझे जानते हैं कवि के तौर पर लोग। 14 अक्टूबर 1956 को अगर बुद्ध धर्म नहीं होता तो आज हम किस स्थिति में होते? आप सब जानते हैं यह दीक्षा भूमि है और ये पावन भूमि ही नहीं, क्रांति भूमि भी है। आपने जो पूछा कि अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दीक्षा भूमि में बुद्ध धर्म का स्वीकार नहीं करते तो हम किस स्थिति में होते, तो ये सब युवा सोच सकते हैं कि आज के स्थिति में हम किस दौर से गुजर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत बड़ा तबका आज भी उसी दबे कुचले स्थिति में रहता, किसी की प्रगति हो पाती या नहीं पाती थी, तो हम सोच ही सकते हैं, उसके बारे में कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। मतलब रहने वाली नागपुर की हूँ, तो नागपुर का ही जन्म है और सब कुछ एजुकेशन नागपुर का है, तो यही से मतलब तो आना लगातार होता है, पर बीच में शादी के बाद कुछ साल बाहर रहे तो बाहर से भी आके हम अंदर में स्टॉल लगाते हैं। और धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के इस 65वें उत्सव पर आप इस दिन को कैसे देखते हैं? इस दिन को मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में तो बाबा साहब ने हमको मुक्ति का मार्ग दिलाया था 1956 के बाद, 14 अक्टूबर 1956 अभी 65 साल हुए, और 65 साल के उपलक्ष्य में हम इसी इसमें दिखते हैं कि जब ये पावन दीक्षा भूमि है, पवित्र दीक्षा भूमि जिसे कहते हैं, तो मैं उस नज़रे से देखती हूँ कि बौद्ध पहले बने फिर दिखे और फिर मतलब लिखे, तो क्या हम बौद्ध बन गए, क्या दिख रहे और क्या लिख रहे, तो यही मेरा नारा है और हमारा सबका, और तब से यही मिशन में और यही मिशनरी हमारा वर्क है। 1942 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमें महिलाओं को सम्मान दिलवाया था जी, जो 1942 की जो महिला परिषद बाबा साहब ने ली थी उसमें 20,000 से ज़्यादा महिलाएं थी। और बहुत अच्छा सवाल पूछा कि 1942 की बात, तो 1942 की बात लेते हैं तो बाबा साहब ने बोला था, बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि महिलाओं का अखिल लेवल पर, अखिल भारतीय लेवल पर संगठन होना चाहिए और ऐसा संगठन होना चाहिए कि बात उस कोने से उठे तो उस कोने तक जानी चाहिए, और ये सारा महिलाओं का संगठन पूरे भारत भर में एक होना चाहिए और सब एक आवाज़ बुलंद होनी चाहिए, और कोई भी महिलाओं के संवैधानिक अधिकार हो या महिलाओं का संगठन हो या महिलाओं के साथ जो भी अन्याय अत्याचार या जो भी प्रगति या स्वतंत्रता की जो भी बातें कही गई है, तो वो महिलाओं की एक आवाज़ में हो। युवाओं के लिए बाबा साहब ने ऐसे कई सारे रास्ते खोले हैं या उनके जो उन्होंने संविधान लिखा है, तो युवाओं को उनके रास्ते पर कैसे चलना चाहिए? युवाओं को रास्ते पे कैसे चाहे, बाबा साहब कहते हैं, युवा फेडरेशन है जो भी है, बाबा साहब कहते हैं जब तक शिक्षा ऐसा शेरनी का दूध है जो पिएगा नहीं तो गुर्राएगा नहीं, तो सबसे पहले तो ये की है कि शिक्षा इतना ग्रहण करें हम, और शिक्षा ग्रहण करने के बाद बाबा साहब कहते हैं कि विद्यार्थियों के या स्टूडेंट जो भी है उनके मार्ग अपने आप खुल जाएंगे, तो इसीलिए शायद बुद्ध एक बात कहते हैं कि मैं मार्गदाता हूँ, मैं मोक्षदाता नहीं, तो इसीलिए मतलब युवाओं के लिए तो हर रास्ते बाबा साहब ने संवैधानिक तरतूद इतनी अच्छी तरीके से की है बाबा साहब ने कि हर राह पे अगर आज का विद्यार्थी या आज का स्टूडेंट चलने के लिए तैयार हो तो उसको कहीं ना कहीं उसका मतलब ये जो उद्देश्य है वो वहाँ तक पहुँच के ही रहेगा। उन्होंने हर समाज के लिए जो न्याय किया है उसके उपलक्ष्य में, हर समाज के लिए कोई भी ये तो आपका प्रश्न है करके मैं ऐसा बोल रही हूँ, कोई भी जाति धर्म की जो महिलाएं हैं बाबा साहब ने सबको एक समानता में, एक रूप में और एक ही जगह देखा है। यहाँ कोई महिला किस जाति की, किस धर्म की या किस ऐसा नहीं, सिर्फ दो ही जाति है, एक तो स्त्री दूसरी पुरुष, और बाबा साहब एक ही बात कहते हैं कि स्वतंत्र भारत देश में महिलाओं का अग्रस्थान है और वो अग्रस्थान में वो इतनी प्रगतिशील है, तो बाबा साहब बहुत जगह कहते हैं कि एक पुरुष साक्षर होता है तो एक ही पुरुष को साक्षर करता है, पर घर की एक महिला अगर साक्षर होती है तो पूरा परिवार साक्षर होता है, और बाबा साहब दूसरी बात कहते हैं कि मुझे पूर्ण विश्वास है महिलाओं के कोई भी कार्य पर, अगर वो कोई काम हाथ में ले तो उसे कभी पीछे नहीं छोड़ सकती, वो बराबर अपने मतलब जगह पर पहुँचा के ही छोड़ती है। और रही बात आपने बोला कि सर्व महिलाओं के लिए बाबा साहब ने क्या किया है, तो आज तो हमारी महिलाएं समझ नहीं पा रही है, पर आपके इस
कैमरे के द्वारा मैं सभी महिलाओं को एक बात कहना चाहूँगी कि बाबा साहब का नेता का ना कभी हुआ न होगा न हो सकता है। एकमात्र बाबा साहब ही ऐसे थे जिन्होंने को सभी जाति धर्म की महिलाओं के बारे में इतना हित था कि मैं बता नहीं सकती। और सभी को ये चीज़ भी पता है, हम बताए न बताए, पर शायद आज बाबा साहब नहीं होते तो स्त्री पुरुष को संवैधानिक अधिकारों की तरतूद करके आज शिक्षा का अधिकार समानता के तौर पे नहीं होता। और वो बाबा साहब ने सभी के लिए, और सबसे ज़्यादा बड़ी बात कि महिलाओं के लिए जो अंधविश्वासी रूढ़िवादी परंपरागत जो दकियानुसी बातें थी जो महिलाओं के लिए आज भी हानिकारक है, उसके लिए बाबा साहब ने बहुत बड़ा कदम उठाया था। क्या शायद महिलाएं आज बाबा साहब के उन बातों को समझ रही है, मान रही, या उनके बातों को लेके कहाँ तक जा रही है? तो महिलाएं अगर एक बार समझ जाए तो शायद वो वहाँ तक पहुँच भी सकती है। ओके, थैंक यू। अभी तक यहाँ पे 260 लोगों का क्या बोलते टेस्ट हो चुका है, रैपिड एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं हम, और 10 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, फर्स्ट सेकेंड डोज दोनों मिला के 10 लोगों का हुआ है। तो ये बिना वैक्सीन लिए किसी को भी मतलब अंदर जाने की अनुमति नहीं है? जिनका सेकेंड डोज हो चुका है उनका हम सर्टिफिकेट चेक करके उनको अंदर जाने दे रहे हैं, और जिनके पास आरटीपीसीआर की रिपोर्ट होगी 72 घंटे के अंदर की, उन लोगों को भी हम जाने दे रहे हैं। बट जिनका फर्स्ट डोज हुआ है उनको हम वैक्सीन टेस्ट करने के बाद ही अंदर जाने दे, स्क्रीनिंग हो रही है, अगर उनका टेस्ट नेगेटिव आता है तो हम उनको अंदर जाने की परमिशन दे रहे हैं। और पॉजिटिव लोगों को हम क्वारंटाइन करने वाले एमएल हॉस्टल में। और टोटल कितने पेंडोल लगे हैं दीक्षा भूमि के रास्ते के? टोटल 6 पेंडोल लगे हुए हैं अलग अलग जगहों पर, 6 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। तो आज धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के इस शुभ दिन पर आप यहाँ आए हैं, तो आप सभी का वैक्सीन हो गया है? हाँ, वैक्सीन तो हो गया मैडम, लेकिन यहाँ पे इतना वैक्सीन का चेक कर रहे हैं, बाकी पूरे नागपुर शहर में आजू बाजू में जो भी मंदिर वगैरह है इधर उधर बहुत सारे जगह पे ऐसा कोई चेकअप नहीं है, लेकिन हमारे दीक्षा भूमि पे क्यों ऐसा है? ये गलत है ना, गवर्नमेंट ने सबके लिए लागू करना चाहिए ना, हर एरिया में हर स्टेट में वो लागू होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ऐसा है कि बहुत लोग बाहर गांव के आए हैं, सवेरे से रात से आए हैं, भूखे पैसे हैं, अब उनको वहाँ चेक कर रहे हैं फिर उसके बाद भेज रहे हैं। अभी कोराडी मंदिर में लोग ऐसी आ रहे वैसे जा रहे, इतना मजमा है कोराडी मंदिर में, बाकी जगह भी बालाजी इधर उधर हर जगह जो मंदिर है, अभी गुजरात में वो गरबा चालू है, तो उधर भी मोदी जी के इधर भी वही चालू है, ऐसी कोई वैक्सीन वगैरह कोई चेक नहीं कर रहे, वैसे चालू है उनका वाला। मेरा कहना है कि यहाँ पे भी ऐसे चालू होना चाहिए, बहुत लोग बाहर गांव से आते हैं, दूर दूर के लोग आते हैं दीक्षा भूमि पे। अभी हमारा कैसा देवस्थान ही है, काफ़ी सालों से हमारे पूर्वजों को से चलते आ रहा है, हम लोग हमेशा आते हैं यहाँ पे, तो मेरी यही विनती है कि सबको जाने देना चाहिए जल्दी जल्दी। दीक्षा भूमि के आज इस पर्व पर, आज धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के इस पर्व पर कई सारे वॉलंटियर्स भी तैनात किए गए हैं, और इनकी संख्या कम से कम 120 से 130 के आंकड़े पर है, और पुलिस कर्मियों का भी काफ़ी अच्छा प्रबंध यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे किया हुआ है। पुलिस कर्मियों के बंदोबस्त के साथ ही यहाँ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कॉलेज से एनएसएस के काफ़ी सारे बच्चों को, विद्यार्थियों को यहाँ पर तैनात किया गया है वॉलंटियरिंग के लिए, ताकि लोगों की भीड़ भाड़ और उनको कोरोना के सारे नियमों का उनसे पालन करवाया जा सके। नहीं, ये जो है ये बंदोबस्त हर साल रहता है, सिक्योरिटी के रीज़न से ही रहता है, रिस्ट्रिक्शंस उस तरह के नहीं है कि जो लोगों को रोक रहे, लोगों को आने के लिए पूरी तरह से छोटे से भी शासन की तरफ से और प्रशासन की तरफ से ये आह्वान किया गया कि कोरोना के जो नियम दिए गए वो उसका पालन हो जाए, और उस पर भी अगर ज़्यादा लोग आते हैं तो वो चेकिंग की व्यवस्था है, व्यवस्था चेकिंग करके लोगों को छोड़ा जा रहा है, ऐसा कोई किसी को रोका जा रहा है, ऐसा कोई इशू नहीं है। जो लोग पॉजिटिव मिल रहे हैं टेस्ट के बाद? नहीं नहीं, टेस्ट के बाद पॉजिटिव मिलते हैं तो उनके लिए आरोग्य विभाग ने उनके यूनिट्स रखे हैं, वो उस पर कार्रवाई करेंगे। क्या क्या रूल्स आप लगाए गए हैं सेफ्टी के लिए या भीड़ भाड़ ज़्यादा ना हो सके? सेफ्टी के लिए आप देख रहे हैं बैरिकेड्स लगाए गए हैं, उसके थ्रू ही लोगों ने आना चाहिए, जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहेगी, और सोशल डिस्टेंसिंग रहकर दर्शन करना ये जो है सभी के लिए सेफ रहेगा, ये उद्देश्य है यहाँ पर बैरिकेड्स लगाने का। सर, कुछ लोगों का कहना है कि पर्यटकों से ज़्यादा अवसर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं? नहीं, आए लोग जो है ये हर साल इतना ही बंदोबस्त रहता है, इस बार कोरोना की वजह से बाहर शहर से गाँव से लोग कम आए हैं, वो आह्वान किया गया था, संयोजन समिति ने भी आह्वान किया था
कोरोना के दौरान ये भी बताया गया था कि 15 साल से कम या 18 साल से कम और 65 से ज़्यादा उम्र के लोग यहाँ पे प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे तो सभी आ रहे हैं। उसकी जो है यंत्रणा चेकिंग के लिए अलग से लगाई गई है, आरोग्य विभाग, महापालिका और संयोजकों की वजह से लगाई गई, चेक कर रहे हैं वो, अगर कोई कम होता है तो उसको हिदायत दी जा रही है कि आप ना आए। तो मेरा नाम निखिल मुडगरे है, मैं डॉक्टर अम्बेडकर कॉलेज दीक्षाभूमि का NSS का वॉलंटियर हूँ। मैं पिछले 3.5 सालों से यहाँ वॉलंटियरिंग हम करते हैं। हर साल हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के 250 से 300 बच्चे रहते हैं। तो ये जो बच्चे हैं, जो लोग आते हैं, अनुयायी आते हैं, पूरे देश भर से अनुयायी आते हैं, उनको संभालते हैं, उनकी डायरेक्शंस दिखाना, और जो पुलिसकर्मी रहते हैं, जो समता सैनिक दल के जो अधिकारी वर्ग रहते हैं, ये उनको पूरी तरह से कोऑपरेट करते हैं। और इनका काम ये होता है कि जो अभी जैसे कि कोरोना काल में बाहर से लोग आते हैं, कोई मास्क लगा के नहीं आ रहे हैं, तो उनको वो समझाते हैं कि आप कोरोना के रूल्स न तोड़े, मास्क पहने। यहाँ पे हमारी पुलिस ने मास्क का भी डिस्ट्रीब्यूशन रखा है, जो कोई मास्क लगा के नहीं आता है उनको मास्क भी ये राष्ट्रीय सेवा योजना के स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये हर साल यहाँ पे सेवा देते हैं, पिछले का साल कोरोना के कारण नहीं दे पाए, इस साल और एक्टिव हो गए हैं। और अलग परेशानियाँ इन द सेंस कि क्राउड थोड़ा सा दिख रहा है मैम, तो वो थोड़ा सा लड़के मैनेज कर रहे हैं बीच में जाके मतलब, और बाकी तो सभी ठीक ठाक ही है। मतलब कि जैसे कि अंदर जैसे इंटर करते हैं लोग, तो उनको सैनिटाइज़र देना और बताना कि आप कृपया मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जैसे समिति से रूल और रेगुलेशन है, उस रूल और रेगुलेशन से और गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन से ये बच्चे काम कर रहे हैं मैम। और आप सभी के वैक्सीन के डोज़? हमारे यहाँ मैडम जो भी बच्चे आए हैं उन सभी बच्चों के 2-2 वैक्सीनेशन हुए हैं, तभी आए हैं। जिनके 2 डोज नहीं हुए उनको नहीं बुलाया गया है। उनका वो जो संविधान देश के लिए दिया है, सबसे बड़ी यही तो बात है, खासियत, और सारी पूरी दुनिया को एकत्रित किया है उसने, बस और क्या है। और महिलाओं के लिए जो उन्होंने सम्मान दिया था 1942, हाँ महिलाओं के लिए, यानी पहले के ज़माने में क्या था कि महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता था, घर में बिठाल के रखते थे। बाबा साहब ने उनके लिए सब कुछ किया, पढ़ाई चालू की, और क्या बोलते बा उनको सर्विस पाने के लिए सब प्रेरित किया। माझं नाव ज्ञानेश्वर मोहन धर्मी जय, मुक्काम पोस्ट विरखंडी धापरला, तालुका भिवापूर, जिल्हा नागपूर। किती वर्षांपासून तुम्ही इथे? मी तरी आता 20-25 वर्ष तरी झाले मी इथे येत असतो। बाबासाहेबांची कशी गोष्ट जी तुम्हाला खूप आवडते? बाबासाहेबांची एकती सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे लहानपणापासून ज्यांना शिक्षण नव्हतं, ज्याला पिण्याचं पाणी जे नळाद्वारे घ्यायचं तेही उलट्या नळातून त्याला घ्यावं लागत होतं। आणि हा अशा प्रकारे हे जेव्हा पाण्यासाठी जो पाणी मुफ्त आहे तरी त्याला पाणी मिळू शकत नाही, शिक्षण मिळू शकत नाही। आणि म्हणून ज्यांनी माणसाचं आपल्या अंधारातून दिव्याकडे प्रकाशाकडे जात असते, परंतु प्रकाश जरी असला पण अंधारातून जर प्रकाशाकडे पाहायचं लहानशी ठिणगी जरी असेल तरी ती मात्र प्रकाशाची ज्योत आहे ही निदर्शनास आणून देत असते। आणि मग तोच विचार घेऊन मी इथे आलो आहे। मैं नागपुर का ही लोकल हूँ यहाँ से, और मैं दीक्षाभूमि आया था, मैं सुबह आया था, बट वैक्सीनेशन चाहिए था, 2 वैक्सीनेशन चाहिए थे, बट मेरा फर्स्ट ही हुआ, तो अभी मैं यहाँ पर ही आया, पहले ड्रैगन पैलेस गया था, फिर अभी इधर आया रिटर्न में। बाबा साहब अम्बेडकर की कोई ऐसी बात जो आपको काफ़ी प्रेरित करती है? उनकी तो सभी बातें प्रेरित कर जाए वैसे बोला जाए तो, बट मुझे जो बात अच्छी लगती है वो बेसिकली ये है कि उन्होंने लाइफ में स्ट्रगल बहुत किया, वो सभी के लिए इंस्पिरेशन वाली बात है, और उन्होंने हर बार सच का साथ दिया, कभी कोई दूसरी बात नहीं की, झूठ बात नहीं की, उन्होंने हमेशा ट्रूथ बोला, कभी किसी को धोखा नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। और हमारे जो लोग हैं दलित लोग, उनको नहीं क्या बहुत ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट किया, खुद वो ये दलित थे इसलिए। बट मैं एक बात देखता हूँ, मेरे साथ जो लड़के रहते हैं बहुत से लड़के पढ़ते नहीं हैं, जो उन्होंने इतना सब करके गए हैं उनका नहीं क्या वो फ़ायदा नहीं लेते, वो जो लाइफ की रेस है उसमें वो नहीं क्या पीछे हो जाते हैं, एजुकेशन नहीं करते इसलिए, और इसलिए मैं यानी बात नहीं चलते ये बात मैं मानता भी हूँ और मैं देखता भी हूँ बात। रोए मैं नागपुर से दीक्षाभूमि में आया हूँ। बाबा साहब का जो संदेश है, मैं यहाँ से कुछ किताबें भी खरीदने चाहता था, लेकिन आज देख रहा हूँ जिस बाबा साहब ने 1956 को आज पूरे 65 साल हुए हैं दीक्षाभूमि
धर्मांतर अनुवर्तन दिन बोलते हैं हम उसे, लेकिन आज गवर्नमेंट ने ना ही हमें पुस्तकों की यानी जो भी विक्रेता है उन्हें पुस्तकों की बिक्री की दुकान लगाने दी और बाबा साहब के पुतड़े की पुस्तकों की, तो इसके माध्यम से एक प्रकार आक्रोश भी व्यक्त करना चाहता हूँ कि हम देखते हैं कि अदर जगह में अदर जाति धर्म के किस तरह बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने बहुत से बंदियाँ लगाई, लेकिन बंदियाँ तो लगाई अभी कुछ ढील भी दी, तो मैं यहाँ पर जो आ रहे हैं लोग उनसे भी करता हूँ उनसे भी ये करता हूँ संदेश देना चाहता हूँ कि वो दीक्षा भूमि में आए तो खुद के सेफ्टी के साथ आए, ताकि हम बाबा साहब के अनुयायी है, बाबा साहब का संविधान हमें मिला है तो उनका जो संदेश है हमें जग भर में पहुंचाना है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब बोलते थे कि अगर जो आदमी पढ़ेगा वो आदमी बढ़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट ने बाबा साहब जिस दीक्षा भूमि से सबसे ज़्यादा अगर कोई धार्मिक स्थल है कुछ बातें अगर यहाँ से लेकर जाते हैं तो आप देख सकते हैं सर्च कर कि किताबें दीक्षा भूमि से ज़्यादा बेची जाती है, लेकिन आज गवर्नमेंट ने दीक्षा भूमि के किताबों पर ही बंदी लगा दी। इसका मैं विरोध करता हूँ और आने वाले दिनों में अगर दीक्षा भूमि में कल शायद ज़्यादा लोग आए तो यहाँ के कमेटी ने पत्रकार परिषद लेकर किताबों के दुकानों को परमिशन देना चाहिए और आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को आज के ये 65वें धम्मचक्र अनुवर्तन दिन के उपलक्ष्य में सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज के इस धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस पर हम दीक्षा भूमि में इस 65वें वर्ष पर आज के इस महोत्सव में शामिल हुए हैं, जहाँ हमने कई सारे लोगों से बात की, कई ने अपना रोष व्यक्त किया तो कई लोग काफ़ी उत्साहित नजर आए। इसी के साथ ही हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। मैं शिवानी थोटे, रोशन बोकड़े के साथ VKB न्यूज़। नमस्कार।